हेलो एवरीवन यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज लक्ष्मी शंकर सो लास्ट वीडियो में बैकलिंकिंग के बारे में मैंने पूरा उसका कॉन्सेप्ट बताया था कि बैकलिंक क्या होते हैं लिंक जूस क्या होते हैं कैसे पास होता है सो so, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वीडियो को आप देख लेंगे तो इजी होगा इसको समझने में तो so, जैसा मैंने बोला था कि ये पूरा बैकलिंक्स का एक कोर्स होगा इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बैकलिंकिंग से रिलेटेड तो so, ये बैकलिंकिंग का सेकेंड वीडियो है इसमें हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स तो डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है डू फॉलो एंड नो फॉलो क्या डू फॉलो हमें ज्यादा बनाना चाहिए नो फॉलो ज्यादा क्रिएट करना चाहिए डू फॉलो से क्या हमें बेनिफिट होता है नो no फॉलो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं वाई दे आर इम्पोर्टेंट मीन्स डू फॉलो एंड नो फॉलो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसका रेलिवेंसी क्या है क्या केवल हम डू फॉलो ही ना बनाएं नो फॉलो बनाने की जरूरत क्या है सारी चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे डू फॉलो एंड नो फॉलो में डिफ्रेंसेस क्या है इन दोनों के बीच में उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे एंड ये भी डिस्कस करेंगे कि डू द हेल्प विथ एस सीओ एस सीओ में क्या हेल्प है करते हैं डू फॉलो एंड नो फॉलो और करते हैं तो कौन कितना परसेंटेज करता है कितना ज्यादा करता है इन सारी चीजों का इस आज के सेशन में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे सो नो फॉलो लिंक्स को समझ लेते हैं कि व्हाट इज नो फॉलो लिंक नो फॉलो लिंक इट इज अट्रीब्यूट दैट इज मीन सर्च इंजन नॉट टू पास लिंक इक्विटी जूस थ्रू द लिंक मीन्स कोई भी यदि नो फॉलो लिंक होता है तो वो सिग्नल देता है गूगल के बॉड को कि इसको क्रॉल नहीं करना है सबसे पहले तो मतलब सपोज दैट यहाँ पर एक वेबसाइट ए है एक वेबसाइट बी है और सपोज दैट यहाँ पर वेबसाइट ए का कोई लिंक है तो ये क्या होगा कि ए का बाइक लिंक यहाँ पर होगा तो क्या ये जो लिंक होगा यदि ये नो फॉलो है नो फॉलो लिंकिंग तो इससे क्या मतलब यहाँ से कोई भी इस पर लिंक जो पास होगा इस पर एक्चुअली में गूगल को ये सिग्नल देता है नो फॉलो एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि नो फॉलो मीन्स कोई भी लिंक जूस इसको पास नहीं करना है और यही यदि डू फॉलो लिंक होता तो डू फॉलो लिंक मींस होता है कि लिंक जूस यहाँ से इस वेबसाइट को लिंक जूस पास होता तो ये दोनों में डिफरेंसेस होता है यूज़र के पर्पज से आप देखोगे कोई मतलब यूज़र है आपके वेबसाइट पे आता है और लिंक को देखता है तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है कि मतलब ये क्या है नो फॉलो है या डो फॉलो है उससे कोई नहीं बट एस के पर्पज से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और इसे हमें समझना होता है कि हमें डू फॉलो यूज़ करना चाहिए नो फॉलो इसको फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं अब इसको रिकग्नाइज़ करने का क्या तरीका होता है जब आप इसके कोड को देखोगे तो कोड में यदि यहाँ पर नो फॉलो नहीं लिखा हुआ है सिंपली मतलब जो लिंक है वो दिया हुआ है उसके बाद से एंकर टेक्स्ट दिया हुआ है एंड यहाँ पर सिंटेक्स क्लोज हो जाता है दैट मीन्स दिस इज अ बाय डिफ़ॉल्ट डू फॉलो ए हो जाता है डू फॉलो लिंक बाय डिफॉल्ट डू फॉलो सारे लिंक्स होते हैं बट किसी भी ऐसे लिंक में ऐसे सिंटेक्स में यदि रिलेशन इक्व टू नो फॉलो दिया हुआ है दैट मीन्स दिस इज अ नो फॉलो लिंक तो यही इसका पहचानने का तरीका होता है कि यदि नो no फॉलो आरियल मीन्स रिलेशन इक्वेस्ट टू नो फॉलो लिखा हुआ है तो दैट मीन्स कि नो no फॉलोअर अब इस केस में बात करें जैसे फर्स्ट केस की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा कि इस वाले वेबसाइट को ये लिंक जूस पास करेगा बट यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि नो फॉलो दैट मीन्स कि इस वाले वेबसाइट को ये लिंक जूस पास नहीं करेगा No follow में तो एक क्लियर हो गया अब यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है इस इमेज के थ्रू इसमें आप देखो यहां पर क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड लिंक स्टैंडर्ड लिंक का मतलब ही होता है कि ये डू फॉलो लिंक है डू फॉलो लिंक और डू फॉलो लिंक में क्या होता है कि यहां से इसमें जूस लिंक जूस पास होता है लिंक जूस मीन्स उसकी अथॉरिटी उसकी लिंक इक्विटी बोलते हैं लिंक वैल्यू बोलते हैं तो इसकी अथॉरिटी यदि ज्यादा होती है हायर अथॉरिटी वाली वेबसाइट है तो यहाँ से डेफिनेटली लिंक जूस यहाँ पे पास होगा बट यदि यहाँ पर इन नो फॉलो यदि नो फॉलो कोई बैक लिंक है जैसे इस केस में है कि ये नो फॉलो बैक लिंक बना हुआ है इस वेबसाइट पे इसका बना हुआ है तो यहाँ पर ए लिंक जो पास नहीं होगा अब इसके इसमें क्या करता है एक्चुअली में दो चीज़ें होती है एक तो होता है दो चीज़ें यहाँ पे होती है एक तो क्रॉलर के पर्पज से होता है दूसरा होता है एक तो क्रॉलर को ये बताता है कि मतलब आप इस लिंक को आप क्रॉल करो या नहीं कराओ दूसरा होता है यूज़र के पर्पज से तो दोनों चीज़ों का ये ध्यान रखता है मतलब नो फॉलो क्रॉलर को uh, क्या ये सिग्नल देता है सॉरी क्रॉलर एंड लिंक जूस की बात करेंगे लिंक जूस या लिंक इक्विटी की बात होगी तो पहले तो क्रॉलर को ये सिग्नल देता है यानी सपोज दैट यहाँ पर जैसे सपोज दैट कि एक कोई यहाँ पर एक वेबसाइट है एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट हो गई जो पहले मैंने एग्जांपल लिया था मतलब वेब पेज वन एंड वेब पेज टू अब इस यहाँ पर इस वेबसाइट का कोई लिंक मेंशन है यहाँ पर इस वेबसाइट मतलब डब्लू पी वन पे डब्लू पी टी टू का एक लिंक मेंशन है तो यहाँ पर जब क्रॉलर क्रॉल crawl करते हुए आएगा और लिंक देखेगा तो ये क्रॉलर को एक सिग्नल जाता है कि ये इससे रिलेटेड कंटेंट इस वेबसाइट पर पड़ा है तो यहाँ से क्रॉलर यहाँ पे भी जंप करता है और इसको भी इंडेक्स करता है बट एक किस केस में करता है डू फॉलो जब डू फॉलो लिंक होता है तब यानी बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लिंक जो होता है तब बट यदि यही नो फॉलो लिंक हो जाता है नो फॉलो आपने टैग यहाँ पे लगाया हुआ है तो ये सिग्नल देगा कि इसको इस वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करना है बट इन सम केसेस गूगल बोलता है इन सम केसेस ये नो फॉलो लिंक्स को भी इंडेक्स करता है या वहाँ पर क्रॉलर जाता है तो एक तो ये चीज़ हो गया दूसरा लिंक जूस के पेट्स में यदि देखें तो लिंक जूस के केस में क्या हो रहा है डू फॉलो यदि रह रहा है तब तो ये लिंक जूस पास करेगा और यदि डू फॉलो नहीं होता है तो लिंक जूस पास नहीं होता है तो इस सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यदि नो फॉलो टैग है तो कोई भी लिंक जूस उस वेबसाइट को पास नहीं होता है यानी कोई भी पेज वैल्यू पास नहीं होती कोई पेज अथॉरिटी पास नहीं होती है बट आ, और एक क्रॉलर को यानी बॉट को ये भी सिग्नल देता है कि इस पेज को या इस वेबसाइट को इंडेक्स या इस पे क्रॉल करने की जरूरत नहीं है बट कुछ केसेस में गूगल बोलता है कि वो वहाँ से बहुत कुछ सिग्नल मिलता है तो इसके लिए वो इंडेक्स करता है या उस पर क्रॉल करता है अब एक यहाँ पर मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पर आप देखो कि ये बैकलिंकों का है बैकलिंकों की स्टडी से लिया गया है यहाँ पर आप देखो कि ये पोजिशन है मतलब एस सी आर पी पेज पे जो पोजीशन है उसको ए कर रहा है और ए है बैकलिंक्स की नंबर ऑफ बैकलिंक्स कितने हैं लाइक like, यहाँ पर मतलब वन टेन हंड्रेड वन थाउजेंड टेन थाउजेंड ये बैकलिंग्स को शो कर रहा है और ये सी आर पी पे तो ये आप देखोगे ये जो बनाया हुआ है ग्राफ इस पर देखोगे तो जितने नंबर ऑफ बैकलिंग्स हैं यानी जितना नंबर ज़्यादा बैकलिंग्स है यहाँ पे जो बात हो रही है वो डू फॉलो बैकलिंग्स की बात हो रही है यहाँ पर नो फॉलो बैकलिंग्स की बात नहीं है तो ये दिखाता है कि जितना ज़्यादा बैकलिंग्स होते हैं उतना ही अच्छा चांसेस होते हैं आपके वेबसाइट के रैंक होने के तो ये एक चीज़ एक प्रूफ करता है डू फॉलो के केस में नो no फॉलो के केस में नहीं यहाँ पे यदि आपको मतलब देखना है कि वेबसाइट पे कैसे देख सकते हैं और कैसे आप पहचानेंगे तो इन सब चीज़ों के लिए मैं थोड़ा सा वेबसाइट पे चलता हूँ और देखते हैं कि कैसे आप वेबसाइट पे चीज़ों को देख सकते हैं जैसे मैंने एक सिंपल सा एक कोई एक वेबसाइट है सेमरस का लिया हुआ है आप किसी भी जैसे ए आप देखो इसको आप जब रीड कर रहे हो तो यहाँ पर एक हाइपर लिंक बना हुआ है इसको आप देखना है कि ए डू फॉलो है या नो no फॉलो है तो इस पर सिंपल राइट क्लिक करो आप और इंस्पेक्ट पे चले जाइए इंस्पेक्ट पर जाकर के आप यहाँ पर देखिए इस लाइन में कहीं पे भी नो फॉलो सिंटेक्स नहीं लगा हुआ है दैट मीन्स ए बाई डिफॉल्ट डू फॉलो कोई भी और भी उठा करके देख लेते हैं ऐसे ही जैसे ये भी एक लिंक दिया हुआ है यहाँ पर जाओ इंस्पेक्ट पे जाओ तो जब यहाँ पे भी इंस्पेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे भी कुछ भी ऐसा आ रियल टू नो फॉलो नहीं हो दैट मीन्स कि ये जो लिंक है ये डू फॉलो लिंक है दूसरा ये जैसे कोरा पे मैं चला गया कोरा पे आप जा कर करके कहीं पे भी यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कोई भी ऐसी अब यहाँ पर देखो आप ये जैसे एक लिंक के कमेंट सेक्शन के अंदर ये दिया हुआ है ये आप यदि ध्यान रखो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कोई जाके ये अपना लिंक दे रहा है तो ये नो no फॉलो होना चाहिए तो इसको यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर आप देखो तो ए नो फॉलो आर ई एल इक्वल्स टू नो फॉलो ये देखो तो ये नो फॉलो टैग होते हैं जो भी कमेंट सेक्शन में रिव्यू में आ, ऐसे जगहों पे जो भी आते हैं वो सारे अब ये भी जैसे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है ये भी एक लिंक इसको भी इंस्पेक्ट पे जाओ आप देखोगे तो ये भी नो फॉलो यहाँ पे बैक लिंक बना हुआ है तो जितने भी कमेंट्स या ऐसे रिव्यूज वाले वेबसाइट होते हैं या स्पैमी कोई लोग स्पैम करते हैं कमेंट में जाके ये सारे बाई डिफॉल्ट नो फॉलो टैग होते हैं एक ये जैसे मैंने एक वेबसाइट ले लिया है इस वेबसाइट में ये ब्लॉग सेक्शन में चले जाते हैं ब्लॉग के अंदर ये जैसे कोई भी एक वेबसाइट ब्लॉग उठा लेते हैं और इसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं इसके भी कमेंट सेक्शन में जैसे ये देखो आप एक लिंक है इस पे जाकर के आप क्लिक करो इंस्पेक्ट पे ये भी देखोगे आप नो फॉलो यू जी सी मीन्स यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है तो ये भी नो फॉलो तो इस तरीके से आप कोई भी नो फॉलो डू फॉलो को आप चेक कर सकते हैं इसके लिए बहुत सारे गूगल एक्सटेंशन भी आते हैं उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ से भी आप इजिली देख सकते हैं और नहीं तो आप मैनुअली देखना है तो इस तरीके से डो फॉलो और नो फॉलो देख सकते यदि आपकी वेबसाइट वर्ड प्रेस की वेबसाइट है और उस पर आपको डू फॉलो या नो no फॉलो लगाना मीन्स नो फॉलो लगाना है तो कैसे लगाते हैं वो अभी बता देते हैं वैसे वर्ड प्रेस का अब जो भी लेटेस्ट वर्जन है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी ऐसे कंटेंट होते हैं जहाँ पे नो no फॉलो लगना चाहिए लाइक कमेंट्स रिव्यू ऐसे जगह तो ऑटोमेटिकली वर्ड प्रेस वहाँ पर नो फॉलो टैग ही लगाता है यदि आपकी वेबसाइट है उसमें कोई कमेंट्स आए हुए हैं कोई लिंक उसमें दिया हुआ है उस लिंक पे आप जाके इंस्पेक्ट इन, पे क्लिक कीजिए आप देखेंगे कि वो नो फॉलो टैग होगा अब कैसे लगाते हैं वो जैसे मैंने एक वर्ड प्रेस का वेबसाइट ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको यदि टैग लगाना है नो फॉलो टैग तो सिंपली इस नो फॉलो यहाँ पर आपको जाना है और आप क्लिक करे, करोगे आप तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिखा देता है नो फॉलो आपको करना है या स्पॉन्सर्ड करना है तो जो भी यहाँ से आप लगा सकते हैं अपने वर्ड प्रेस नो फॉलो टैग तो ये चीज़ समझ में आ गया कि मतलब नो फॉलो लिंक क्या होता है रिंक जूस कैसे पास होते हैं इसमें अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि पहले क्या होता था बाद में क्या हुआ इस एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एच से मैंने ये इमेज लिया हुआ है समझने के लिए आप ये देखो इस इमेज की यदि बात करें तो क्या हो रहा है ए यहाँ पर सारे डू फॉलो बैकलिंग्स बने हुए हैं एक यहाँ पे बना हुआ है दूसरा बना हुआ है तीसरा ये यह यहाँ पर जा रहा है फिर ये यह दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पर आ रहा है तो ये डू फॉलो बैकलिंग्स ये तीन पे बने हुए हैं और इन तीनों वेबसाइट पे जा रहे हैं इसकी पेज रैंक वैल्यू मीन्स पेज अथॉरिटी थ्री है अभी थ्री स्टार्स तो ये क्या कर रहा है एक मीन्स uh, सारे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है आप देख रहे हो कि मतलब डू फॉलो लिंक्स है तो इस सारे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लिंक जोस ए थ्री है तो यहाँ पे एक दे दिया एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया अब हम लोग नो फॉलो एट्रीब्यूट की बात करते हैं इसमें भी तीन लिंक्स हैं ये देखो एक दो और तीन लिंक्स इसका भी देखो तो अथॉरिटी मतलब पेज रैंक वैल्यू थ्री है अब इसमें एक नो फॉलो टैग आ गया और नो फॉलो टैग जैसे अभी मैंने बताया कि नो फॉलो टैग को लिंक जूस पास नहीं करता है तो जब लिंक जूस यहाँ पे नहीं पास करेगा तो क्या होगा इसके पास टोटल वैल्यू कितनी है थ्री तो इसने क्या किया कि अब कितने बच गए दो डू फॉलो है ए डू फॉलो है और ये भी डू फॉलो है तो दो डू फॉलो है एक नो no फॉलो है तो इन दो डू फॉलो को थ्री डिवाइडेड बाई टू यानी वन एंड हाफ एंड वन एंड हाफ मतलब वन एंड हाफ इसको दे दिया एंड वन एंड हाफ इसको दे दिया तो इस तरीके से लिंक जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे बट लेटर ऑन क्या हुआ उस चीज को अब देख लेते हैं कि इस वाले इमेज में क्या हुआ तो पहले क्या होता था अब इस एग्जाम्पल को एक बार समझ लेते हैं तो और क्लियर समझ में आ जाएगा अब इसमें देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी तीन बैकलिंकिंग लिंकिंग बने हुए हैं ठीक है बट यहाँ पे क्या है कि दो नो फॉलो है ए और ए नो फॉलो और ए डू फॉलो बैक लिंक्स है इस केस में क्या होगा कि जैसे पहले क्लियर है कि नो फॉलो के केस में लिंक जूस नहीं जाता है मींस नहीं पास होता है बट डू फॉलो केस में लिंक जूस पास होता है अब इसमें क्या है इसमें टोटल वैल्यू इसकी लिंक जूस की थ्री है तो इसकी लिंक वैल्यू भी थ्री है अब ये क्या करेगा ये दो नो फॉलो को इसको लिंक जूस पास नहीं करना है तो ये सारा का सारा लिंक वैल्यू किसको पास हो जाएगा इसको यानी एक जो डू फॉलो है उसको पास हो जाएगा ये पहले होता था ऐसे बट अब मतलब हैज सीनेर चेंज अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है अब क्या होता है जो भी इस पेज की अथॉरिटी है जैसे यहाँ पे थ्री है ये क्या करेगा सबसे पहले इक्वली मतलब जितने भी इसके पास जैसे यहां पे भी थ्री बैकलिंग बने हुए हैं दो नो फॉलो हैं एंड एक डू फॉलो है तो इस केस में क्या करने लगा कि ये इक्वली सबको पहले डिस्ट्रीब्यूट मतलब वन वन एंड वन करेगा बट इन दोनों को ये पास तो नहीं करेगा और इसको ये पास कर देगा वन तो ऐसे देखोगे तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने रहेगा पहले जैसा नहीं रहा कि पहले मतलब एक जो एक केवल डू फॉलो होता था उसी पे सारी अथॉरिटी चली जाती थी और जो दो होते थे उस पर बिल्कुल नहीं जाती थी यहां पे क्या है कि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो करता है उस पे अथॉरिटी को लेकिन केवर डू फॉलो को पास कर देता है और नो फॉलो टैक्स जितने भी होते हैं उनको पास नहीं करता है लिंक वैल्यू वाई डिट सर्च इंजन क्रिएट द नो फॉलो टैग इसकी जरूरत क्यों पड़ी नो no फॉलो की क्योंकि हमें तो डो फॉलो क्रिएट करना चाहिए डो फॉलो हमारे लिए बेनिफिशियर्स होते हैं नो फॉलो की जरूरत क्यों पड़ी तो नो फॉलो टैग एक्चुअली में गूगल को इसलिए लेकर के आ, आना पड़ा क्योंकि होता क्या था कि जब यहाँ पे सपोज दैट कोई एक वेबसाइट है ये वेबसाइट हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट है और ये बिल्कुल लो अथॉरिटी वाली वेबसाइट है ठीक है ये वेबसाइट ए है ये वेबसाइट बी है ये हाई अथॉरिटी हो गई ये लो अथॉरिटी हो गई अब कोई यूजर क्या करता था रोग स्पैमिंग करने लगे ये जो हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट थी इसमें कमेंट सेक्शन होते थे रिव्यू सेक्शन तो कमेंट सेक्शन के अंदर बी वेबसाइट का ओनर क्या किया यहाँ पे जाते थे और कमेंट सेक्शन में अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ मेंशन कर देते थे तो जब यहां पे लिंक मेंशन करेगा और कोई भी यूजर यहां पर आएगा तो क्या करेगा इस लिंक को क्लिक करेगा और लिंक को क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पे आएगा और ये पहले क्या होता था जितने भी लिंक होते थे ओनली डू फॉलो ही बनते थे बाय डिफॉल्ट मतलब उस टाइम में नो no फॉलो था ही नहीं तो बस डू फॉलो बनते थे स्टार्टिंग से नो फॉलो नहीं बना था नो फॉलो इसी चीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लाया गया जैसे मैं बता रहा था कि यूजर जब यहाँ पे आएगा तो वो इसको क्लिक करेगा और यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा इस वेबसाइट की लिंक जूस यहाँ पर पास होगी और ऐसे केसेस में क्या होते थे कि ये जो लो अथॉरिटी वाले जो मतलब जिनका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है जिनकी पेज रैंक कम है डोमेन अथॉरिटी कम है वो भी क्या हो जाते थे एस सी आर पी पेज पे रैंक कर जाते थे ऐसे स्पैमी कमेंट्स और ब्लॉग के थ्रू तो ये इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए गूगल 2005 में ए नो फॉलो टैग का नो फॉलो टैग लेकर के आया जिससे ये अब मतलब 2005 के बाद इस चीज़ों पे जितने लोग पहले स्पैमिंग कर करके कर और अपने वेबसाइट की रैंकिंग कर लेते थे उनका सडनली डाउन हो गया था और उसके बाद से प्रैक्टिस बंद हो गई थी और अब आप देखोगे कि जितने भी स्पैम या कमेंट्स में जो भी लिंक्स आते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट नो फॉलो टैग ही बनते हैं हाउ टू एड नो फॉलो लिंक्स इन वर्ड प्रेस मैं ऑलरेडी अभी बता दिया हूं नेक्स्ट वन वट टाइप्स ऑफ लिंक्स आर नो फॉलो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि नो no फॉलो क्या होता है इनके क्या बेनिफिट्स हैं कहाँ पे देख सकते हैं अब कितने टाइप्स के होते हैं बैकलिंग्स तो बैकलिंग्स एनी लिंक दैट हैज नो फॉलो टैग इज टेक्निकली नो फॉलो लिंक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब कोई भी स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब, जब तो यहाँ पर कोई भी नो फॉलो लिंक नहीं दिया होता है तो ऑटोमेटिकली ए डू फॉलो लिंक बन जाता है और जहां पर नो फॉलो लिखा होता है वो नो फॉलो लिंक बनता है तो वही यहाँ पर बोल रहा है ये लाइन की मतलब कोई भी सिंटेक्स में यदि नो फॉलो लिंक है तो वही नो फॉलो होता है और सारे डू फॉलो होते हैं बट इन जनरल इन बाउंड लिंक्स फ्रॉम दीज सोर्सेज टेंट टू बी नो फॉलो लाइक ब्लॉग के कमेंट्स अभी मैंने जा कर के आप लोगों को एग्जाम्पल में भी दिखा दिया कि ब्लॉग में कोई कमेंट्स जो भी लिखा होता है वो बाई डिफॉल्ट नो फॉलो टैग होते हैं सोशल मीडिया लाइक like फेसबुक या यूट्यूब या ट्विटर इन सब के भी कमेंट्स में जितने भी होते हैं ये सारे नो फॉलो टैग के अंदर आते हैं लिंक्स इन फोरम कोई जैसे कोरा या ऐसा कोई फोरम है तो वहाँ पे भी जो यूजर जनरेटेड कंटेंट होते हैं ये भी सारे नो फॉलो टैग के अंदर आते हैं सर्टेन ब्लॉग्स एंड न्यू न्यूज साइट्स पिंगटन पोस्ट ये सारे जो भी होते हैं ये सारे नो फॉलो टैग के अंदर आते हैं लिंक्स फ्रॉम विजेट्स जो होते हैं वो भी नो no फॉलो के अंदर आते हैं लिंक्स इन प्रेस रिलीज़ ये सारे नो फॉलो टैग के अंदर आते हैं एंड दीज पॉपुलर वेबसाइट्स यूज द रिलेशन आर ईयल इक्वल्स टू नो फॉलो टैग ऑन ऑल ऑफ दियर आउट बाउंड लिंक्स लाइक आप कोरा की बात करो कोरा में जितने भी आउट बाउंड लिंक्स होते हैं वो सारे बाई डिफॉल्ट नो फॉलो होते हैं यूट्यूब विकीपीडिया रेडि ट्विच मीडियम इन सारे में आप देखोगे कि ये नो फॉलो टैग यूज़ किए जाते हैं और भी कुछ कैटेगरी होती है राइट पेड लिंक्स पेड लिंक्स अकॉर्डिंग टू गूगल्स वेब मास्टर गाइडलाइन एनी लिंक्स दैट यू पे फॉर शुड बी नो फॉलोड यानी यदि किसी भी लिंक के लिए आपने कुछ पे किया है सो दैट शुड बी नो फॉलो रिलेशन इक्वल्स टू स्पॉन्सर्ड यूज होता है ऐसे केसेस में और इसको गूगल लिंक जूस पास नहीं करता है लाइक like, आप किसी भी मतलब बैनर एड करिए किसी वेबसाइट पे आपने कोई पेमेंट किया हुआ है तो मेक श्योर sure कि आपको ये आर या रिक्वेस्ट टू स्पॉन्सर्ड शो करना चाहिए उस लिंक के लिए नहीं तो गूगल पेनलाइज भी कर सकता है तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए एफिलिएट लिंक्स के लिए भी स्पॉन्सर्ड मींस आर या रिक्वेस्ट टू स्पॉन्सर्ड यूज किया जाता है ये भी आपको बताना मस्ट होता है गूगल को कि ये एफिलिएट लिंक्स है एफ़िलियट लिंक्स लगाना बिल्कुल हार्मफुल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है बट गूगल बोलता है कि ये मालूम होना चाहिए कि ये एफिलिएट लिंक है ए पेड लिंक्स है पेड लिंक्स आप यदि किसी भी चीज़ के लिए पे किए हुए हो जैसे यहाँ पर बैनर के लिए आपने पे किया हुआ है तो वो बताना ज़रूरी होता है इस पर एक यूज़र ने क्वेश्चन किया Curious to hear John's answer to this. My thought is that as long as it is obvious to the reader that the link they are clicking on is monetized one, you should be okay. Also, you could use REA request to sponsor so that Google is clear. So John Muder, who is John Moore Google employee unhon response. Yep and definitely use aria equals to be sponsored for affiliate links if you can and to be more complete affiliate links are not bad it's fine to monetize your site google's okay with that there's no need to hide them जस्ट यूज द राइट काइंड ऑफ लिंक इफ़ यू कैन तो यही है यहाँ पर मतलब गूगल भी यही बोलता है कि आप यदि पेड लिंक्स यूज करें या फ्लिए लिंक्स मेक श्योर कि आप उसको सही तरीके से आप बता रहे हैं गूगल को कि इसका रिलेशनशिप क्या है मेन्स आर यिक्वेस्ट टू स्पॉन्सर्ड या आर योर रिक्वेस्ट टू नो फॉलो ये मैंसन करना मस्ट होता है अब इतनी सारी चीज़ों के बाद हमें ये देखना है कि डू नो फॉलो लिंक्स हेल्प एस लिंक्स ओ में हेल्प करते भी हैं हमें तो डू फॉलो मालूम है डो फॉलो से ही हमें लिंक जूस मिलता है तो नो no फॉलो बनाने की क्या जरूरत है सो so, गूगल के टर्म में यदि बात करें तो गूगल खुद ही बोलता है इन जनरल ये जो लिखा हुआ है इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है इन जनरल इन जनरल वी डोंट फॉलो देम जनरली गूगल ये फॉलो नहीं करता है बट कुछ केसेस में ये फॉलो करता है तो इस चीज़ को आप एग्जाम्पल्स के थ्रू देख रहते हैं तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई में नो नो फॉलो की कोई वैल्यू होती है कहीं पर यूजफुल होता है या नहीं होता है ये एक मैंने इमेज एक लिया हुआ है इस इमेज को आप देख लो तो समझ में आ जाएगा यहाँ पर एक यूज़र ने क्या किया कि एक बैकलिंक सॉफ्टवेयर को टारगेट कर रहा है मतलब इसका टारगेट की जो है वो बैकलिंक सॉफ्टवेयर है और इससे रिलेटेड इसने बहुत सारे मतलब इसी एंकर टेक्स्ट से रिलेटेड इसने बैकलिंक परचेज किया यहाँ पर इस टाइम परचेज करता है एंड विद इन अ वीक विद इन अ वीक नंबर वन रैंक करने लगता है सो दैट मीन्स नो फॉलो की भी वैल्यू होती है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें नो no फॉलो टैग केवल यूज करके नो फॉलो बैक लिंक्स यूज कर करके नंबर वन बन गया ये दूसरा एग्जाम्पल यदि आप देखोगे यहाँ पे सर्वे मंकी ने क्या किया कि एक यहाँ पर 404 पेज पे एक यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दिया और ए लिंक इसने क्रिएट किया नो फॉलो तो डेफिनेटली यह यहाँ पर यदि ये लिंक किया होगा तो यहाँ पर एक किसी पेज पे जा रहा होगा सपोज डब्ल्यू पी वन पे जा रहा होगा और ये जो वेबसाइट ये जो वेब पेज था ये पहले इंडेक्स नहीं था बट जब नो फॉलो टैग लगाया यहाँ पर तो ये इंडेक्स्ड हो गया यानी क्रॉलर यहाँ पर आया और क्रॉलर आ कर, कर इसको विजिट किया और इस वाले पेज को भी इंडेक्स कर दिया एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ए एच का स्टडी है और एच आपको मालूम है कि उसके पास बहुत सारे वेबसाइट्स में मिलियंस बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स होते हैं डेटा होता है जो कि वो आ, हर चीज़ को ऐसी चीज़ों को मतलब एनारसिस करते रहते हैं तो वो एनारिसिस कर कर करके ले के, कर के आए और इसमें आप दो चीजों को आप केवल इस स्टडी में कंसीडर करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नो फॉलो वैल्यू रखता है या नहीं रखता है यहाँ देखो आप टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं ये है टोटल नंबर ऑफ लिंक्स टोटल नंबर ऑफ लिंक्स ठीक है टोटल नंबर ऑफ बैकलिंग्स जीरो है एंड do follow backlinks 0.2576 है तो ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं डिफरेंसेस तो नहीं आने चाहिए क्योंकि टोटल बैकलिंकिंग का मतलब ही होता है कि do follow link प्लस no follow links और टोटल बैकलिंकिंग इक्वल्स टू यहाँ पर do follow की वैल्यू दे दिया है तो do follow की वैल्यू जब दे दिया है तो यहाँ पर no follow की जीरो होनी चाहिए तभी तो uh, टोटल वैल्यू मतलब टोटल बैकलिंकिंग उतना आना चाहिए लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंसेस आ रहे हैं दैट मीन्स कि यहाँ पर ये यह शो करता है कि नो no फॉलो की भी कुछ वैल्यू होती है और चाहे कम ही है बट होती है ये स्टडी इस चीज़ को दिखाता है तो ये तो कन्फर्म है कि मतलब डू फॉलो का भी कुछ वैल्यू होता है अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बेनिफिट्स no क्या होते हैं नो फॉलो बैकलिंग्स के फर्स्ट नो फॉलोलिंग्स कैन हेल्प विथ योर एस सी ओ अभी अभी हम लोगों ने तीन चार एग्जाम्पल दिया देखा है उसमें क्लियरली देखा है कि नो फॉलो बैकलिंग्स हेल्प करते हैं एस सी ओ में उसकी उनकी भी कुछ वैल्यू होती है और वो हेल्प करते हैं सेकेंड वन नो फॉलोलिंग्स कैन ब्रिंग यू ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं ट्रैफिक सपोज दैट कोई भी एक वेबसाइट है मतलब ये आपकी वेबसाइट है योर वेबसाइट और यहाँ पर किसी दूसरे की वेबसाइट है जैसे सपोज दैट ए हो गया ए वेबसाइट बी हो गया ए वेबसाइट बी हो गया और आप इस वेबसाइट के लिए कोई भी मतलब इस वेबसाइट पे आप जाते हैं और इस वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में जा कर करके आप अपने वेबसाइट का लिंक देते हैं ठीक है कोई हाई अथॉरिटी वेबसाइट है हाई अथॉरिटी वेबसाइट है और आप लिंक मतलब जेनुइन लिंक आप कमेंट्स में जा कर के डालते हैं ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी नहीं आप प्रॉपरली वहाँ पर टेक्स्ट मेंशन करते हैं और जेनुइन लिंक डालते हैं तो होता क्या है कि जब यूज़र यहाँ पर जाएगा कोई भी यूज़र तो वो आपके यदि उस लिंक को या टेक्स्ट को आ, रिलेवेंट uh, मानेगा या उसको अच्छा लगेगा तो उस पर क्लिक करेगा और क्लिक करेगा तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट पे जाएगा यानी इनडायरेक्टली आपके वेबसाइट पे जब हो जाएगा तो आपके वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी तो इस तरीके से आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक भी वो सेंड करता है भेजता है तीसरा नो फॉलो लिंक्स कैन बी डू फॉलो लिंक्स नो फॉलो फ्रॉम अ पॉपुलर साइट कैन लीड टू डोजन ऑफ डू फॉलो लिंक एक कैसे हो सकता है जैसे यहाँ पर ही मैं एग्जाम्पल ले रहा था कि मतलब ये दो वेबसाइट हैं एक कोई वेबसाइट जो है ये बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट है और यहाँ पर जाकर के आप इस वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्टिंग आपने कर दिया तो यदि गेस्ट पोस्टिंग आप इस वेबसाइट पर करोगे तो क्या होगा इस वेबसाइट पे आपका डेफिनेटली डिटेल होगा आथ डिटेल्स और सारे डिटेल्स होंगे आपका कोई लिंक यहाँ पर मेंशन होगा तो जब कोई यूज़र यहाँ पर पढ़ने आएगा तो देखेगा कि ये तो बहुत अच्छा कंटेंट है और ये ऑथर बहुत अच्छा है तो वो आपके वेबसाइट मतलब आपके लिंक पे क्लिक करेगा आपके प्रोफाइल पे जाएगा इस तरीके से इनडायरेक्टली आपके वेबसाइट पे बंदा जाएगा और आपकी वेबसाइट का पेज रैंक बढ़ेगा फोर्थ वन इज नो फॉलो लिंक्स आर पार्ट ऑफ अ नेचुरल लिंक प्रोफाइल नेचुरल लिंक प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि जैसे आप केवल डू फॉलो डू फॉलो ही बना रहे हो तो ये कोई बात नहीं हुई ये नेचुरल नहीं लगेगा मतलब आप नो फॉलो लिंक एक भी नहीं बना रहे हो तो गूगल ये कहता है कि ये नेचुरली नहीं चीजें सही लगेंगी तो डू फॉलो के साथ नो फॉलो लिंक्स भी होना चाहिए ये डेफिनेटली है कि मतलब लाइक सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट आप डू फॉलो लिंक्स बनाना चाहिए आपको एंड ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट आपका या थर्टी टू फोर्टी परसेंट आप करो ए होना चाहिए नो फॉलो बैक लिंक्स ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट जनरली ये होना चाहिए कि डू फॉलो का रेशियो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए और नो no फॉलो का रेशियो थोड़ा सा कम होना चाहिए तो आई होप आपको आज क्लियर हो गया होगा डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है किसको क्रिएट करना चाहिए कैसे हम लोग चेक करते हैं कहाँ पर जाकर देख सकते हैं वर्ड की वेबसाइट है तो उस पर कहाँ पर जा कर करके आप नो फॉलो लिंक लगा सकते हैं नो फॉलो डू फॉलो कैसे लिंक जूस पास करते हैं सारी चीज़ें कितने टाइप्स के होते हैं सारी चीज़ें हम लोगों ने आज डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस किया इस सीरीज में अभी और भी वीडियोस आएंगे और सेशंस होंगे मोर देन मीन्स एट टेन सेशंस होंगे और एक एक चीज को बैकलिंकिंग को पूरे डिटेल में समझेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग बैकलिंकिंग का नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग